आज तारीख हो चुकी है 25 जुलाई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है एबी डिविलियर्स की तरफ से। दरअसल आईपीएल के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी कि एबी डिविलियर्स ने ये कंफर्म्ड कर दिया है कि मिनी आईपीएल का भाग रहेंगे, जहां पर मिनी आईपीएल में हमें ये खेलते हुए देखेंगे। कुल मिला करें अब एबी डिविलियर्स पर कंफर्मेशन आ चुकी है और यहां पर 6 टीमों में से किसी एक टीम की हमें ये कप्तानी भी करते हुए देखेंगे। तो एबी डिविलियर्स का अब यहां पर मिनी आईपीएल में खेलना तय हो सकता है कि यहां पर बड़े IPL में भी ये कमबैक कर ले। अगर ये कमबैक नहीं करते तो RCB की टीम में मेंटोर के रूप में, तो अब IPL 2023 के एडिशन में वैसे भी हमें ये दिखने वाले। आप कमेंट करके बताइए आप एबी डिविलियर्स को दोबारा से खेलते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, मिनी IPL में अब साउथ अफ्रीका की सरजमी पे एबी डिविलियर्स को खेलते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है हार्दिक पांड्या की तरफ से। दरअसल हार्दिक पांड्या को लेकर रवि शास्त्री ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया, जहां पर रवि शास्त्री ने बताया कि हार्दिक पांड्या वनडे से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ODI क्रिकेट को वो छोड़ना चाहते हैं, केवल T20 क्रिकेट पर वो फोकस करना चाहते हैं। इसके साथ ही रवि शास्त्री ने बताया कि अब कुछ ही महीनों बाद यहां पर ODI वर्ल्ड कप होने के कारण कुल मिलाकर यहां पर 2023 के मिडल में लगभग जून जुलाई के महीने में यहां पर ODI वर्ल्ड कप होगा, तो लगभग 7-8 महीने बाद ODI वर्ल्ड कप होगा। इसी वजह से अब यहां पर करंटली हार्दिक पांड्या एक और साल तक अब ODI क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन एक साल बाद ODI वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पर रवि शास्त्री के अकॉर्डिंग अब हार्दिक पांड्या रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। रिटायरमेंट ये यहाँ पर ODI फॉर्मेट से ले लेंगे, केवल T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट में ये कंटिन्यू रहेंगे। तो बेन स्टोक्स की तरह हार्दिक पांड्या भी अब यहाँ पर ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या ये हार्दिक पांड्या का सही डिसीजन रहेगा या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है पाकिस्तानी प्लेयर्स की यहाँ पर मिनी IPL में खेलने को लेकर। दरअसल यहाँ पर BCCI ने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिनी IPL में खेलने से मना कर दिया है। कुल मिलाकर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को बोलकर BCCI ने यहाँ पर अब पाकिस्तानी प्लेयर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा लिए कि वो मिनी IPL में ना खेल पाए। तो एक तरीके से अब यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स का मिनी IPL में खेलना कैंसिल है। मिनी IPL में हमें सभी कंट्रीज के प्लेयर देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि इंडियन प्लेयर्स भी हमें देखने को मिल जाए, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स अब यहाँ पर मिनी IPL का भाग नहीं बनेंगे। कल BCCI ने इस बात की पुष्टि कर दी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग BCCI का ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है एशिया कप को लेकर। दरअसल एशिया कप को लेकर लगभग 3-4 दिन पहले यहाँ पर एशिया क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंसमेंट करी थी कि 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चलेगी और 6 टीमों के बीच एशिया कप खेला जाएगा। लेकिन सभी फैंस को अब एशिया कप के शेड्यूल का इंतजार है, जहाँ पर पहले बताया गया था कि 22-23 तारीख तक हमें एशिया कप का शेड्यूल यहाँ पर रिवील होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ रीजंस के चलते हुए अभी तक शेड्यूल यहाँ पर रिवील नहीं हो पाया, लेकिन एशिया क्रिकेट काउंसिल ने ये बताया कि आने वाले 1 से 2 दिनों में हमें यहाँ पर एशिया कप का शेड्यूल देखने को मिलेगा। तो 1 से 2 दिनों में हमें जल्दी एशिया कप का शेड्यूल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज यहाँ पर शेड्यूल यहाँ पर रिवील हो जाए। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेड्यूल देखने को मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है गुजरात टाइटंस की तरफ से। दरअसल गुजरात टाइटंस ने पहले IPL एडिशन में यहाँ पर IPL जीत कर यहाँ पर इस टीम ने काफी अधिक फैन फॉलोइंग गैदर कर लिया। कल यहाँ पर भारत वेस्टइंडीज के मुकाबले के दौरान स्टैंड्स में स्टेडियम में यहाँ पर इस टीम के काफी अधिक फैंस नजर आए थे। आप अपनी स्क्रीन पर इस टीम के यहाँ पर फैंस की फोटोज देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस टीम ने अपने पहले IPL एडिशन में यहाँ पर IPL खिताब जीत कर अब अच्छी खासी फैन फॉलोइंग गैदर कर लिया। काफी सारी टीमों से अधिक इस टीम ने यहाँ पर फैन फॉलोइंग गैदर कर लिया। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या गुजरात की टीम आने वाले समय मुंबई चेन्नई की तरह आखिर बड़ी यहाँ पर फेमस फ्रेंचाइजी बन पाएगी या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है कृणाल पांड्या की तरफ से। दरअसल कृणाल पांड्या कल यहाँ पर फादर बन चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने बेबी बॉय को यहाँ पर बर्थ इनके यहाँ पर बेबी बॉय का बर्थ हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर कल कृणाल पांड्या ने सोशल मीडिया पर ये फोटोज या तस्वीरें यहाँ पर पोस्ट करी। आप अपनी स्क्रीन पर कंप्लीट तस्वीरें कंप्लीट फोटोज वीडियोज देख पा रहे होंगे। तो अब कृणाल पांड्या भी यहाँ पर फादर बन चुके। बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर
खबर की तो ये सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से। दरअसल स्टार स्पोर्ट्स ने लगभग एक डेढ़ महीना पहले आईपीएल के आने वाले 5 सालों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को परचेस किया था। इसके साथ ही आईपीएल के राइट्स के बाद इन्होंने यहाँ पर 2024 से लेकर 2031 तक यानी लगभग 7 सालों के अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के भी राइट्स को परचेस कर लिया। कुल मिलाकर केवल इस साल का यहाँ पर बिग बैश लीग सोनी पर यहाँ पर टेलीकास्ट होगा। इसके बाद अगले साल से ना सिर्फ बिग बैश लीग बल्कि एशेज इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की सारी सीरीज अब स्टार स्पोर्ट्स पर टेलीकास्ट होगी। तो स्टार स्पोर्ट्स ने अब यहाँ पर इंडियन क्रिकेट के बाद अब यहाँ पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के भी यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को परचेस कर लिया। तो स्टार स्पोर्ट्स पर अब बिग बैश लीग, आईपीएल, सभी यहाँ पर मेजर हमें टी20 टूर्नामेंट देखने को मिलेगी। इवन यहाँ पर सीपीएल भी यही पर टेलीकास्ट होगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सोनी और स्टार स्पोर्ट्स में से कौन सा सबसे बेस्ट ब्रॉडकास्टर है। बात कर लेते हैं आठवीं बड़ी खबर की, तो जो आठवीं आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है एमएस धोनी की तरफ से। दरअसल एमएस धोनी को बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है कि यहाँ पर इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में दोबारा से टीम इंडिया का मेंटोर बनाया जाए। यहाँ पर पिछले साल एमएस धोनी टीम इंडिया के मेंटोर थे, लेकिन टीम इंडिया का यहाँ पर वर्ल्ड कप में काफी खराब प्रदर्शन था। टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन करंटली इस साल एमएस धोनी का काफी अच्छा आईपीएल गया है और यहाँ पर चेन्नई के लिए ये कप्तान के अलावा मेंटोर भी है। तो करंटली बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है कि एक बार फिर से एमएस धोनी को यहाँ पर मेंटोर बनाया जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग एमएस धोनी को क्या दोबारा मेंटोर बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।